एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे एमपी सब इंजीनियर एग्जाम का डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, साथ ही एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, या क्या ऑफिशियल रिसोर्स से हमने पता किया है। साथ ही हमने ये भी पता करने की कोशिश की है कि एग्जाम किस तारीख को होगा और साथ ही हम प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करें बिना कन्फ्यूज होते हुए भी। तो उससे पहले आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको जाना होगा इस नंबर पर यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो पेड ग्रुप है, इसमें जो कि कुछ नॉमिनल चार्ज लिए जाते हैं। और इस ग्रुप में फ्री में ज्वाइन होने के लिए, फ्री में ज्वाइन होने का जो कि सिर्फ ऑफर जो कि 11 और 12 सितंबर को है, इस ग्रुप में अगर इस तारीख के बीच में अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में क्या फैसिलिटी है, एक तो इस ग्रुप में फैसिलिटी ये है कि आपको सारे एग्ज़ाम के अपडेट दिए जाएंगे जितने भी जॉब आती हैं। उसके अलावा इस ग्रुप में सारे PDF अवेलेबल हैं, जितने भी PDF सब इंजीनियर एग्ज़ाम में कराए जाएंगे, जैसे कि MP करंट अफेयर, MP GK, उसके अलावा MP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा MP के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके, और उसके अलावा रीजनिंग, हिंदी, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इन सब के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। साथ ही सब इंजीनियर के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ यूथ पब्लिकेशन की बुक, परीक्षा धाम की बुक, पुनेकर की बुक, SPD पब्लिकेशन की बुक, ये सारी बुक है जो कि इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा। अब आते हैं एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को निर्धारित किया गया था ऑफिशियली एमपी सब इंजीनियर साइट PEB साइट के द्वारा 24 सितंबर को निर्धारित किया गया था, लेकिन कन्फ्यूजन बना हुआ है कि एग्ज़ाम क्या उसी दिन को होगा या डेट इसकी बदल जाएगी। तो इस कन्फ्यूजन के बारे में हम बात करते हैं वन बाई वन। तो जैसे कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, पहली पॉसिबिलिटी जो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो इसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। जैसे कि पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो जैसे कि आज है 11 तारीख और 11 तारीख तक अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आया है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनी है कि जो ई टेंडर होता है जो क्वेश्चन बनाने की के बारे में, उसका जो कि अभी नोटिस आया है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई भी नोटिस नहीं आया और एग्ज़ाम के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर दिया जाता है जो कि उस सिटी के स्कूल को खाली कराने तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम किए जाते हैं, ये नोटिस का भी पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से 3-4 पॉसिबिलिटी जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बारे में कही जा रही है। एग्ज़ाम उसी दिन को होगा इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो एग्ज़ाम उसी दिन को ये होगा होने की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होता है वो 10 दिन पहले जारी होता है। तो 10 दिन पहले यानी 14 सितंबर को एडमिट कार्ड का सिटी का नाम पता चल जाएगा, तो आपको 14 सितंबर तक वेट करना होगा। दूसरा, एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कम करता है, दूसरा एग्ज़ाम जल्दी कराने के लिए MP PEB जो कि जाना जाता है, तो एग्ज़ाम कम समय में कराने के लिए MP PEB जो जाना जाता है, तो इसलिए पोस्टपोन होने का चांस भी कम है। तो इस तरह से अगर हम दोनों पॉइंटों को होने और ना होने की बात करें तो 50-50% का चांस बनता है। तो हमारी व्यक्तिगत सजेशन क्या रहेगी आपके लिए, तो अगर आप सब इंजीनियर की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपको 2557 पोस्ट में से एक सीट चाहिए, तो उसके लिए आप पोस्टपोन न मानते हुए बल्कि आप उसी डेट को यानी 24 सितंबर को ही अपना एग्ज़ाम डेट मानते हुए प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर पोस्टपोन नहीं हुआ और उसी दिन को एग्ज़ाम हो गया तो आप 10 दिनों में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 दिनों में जैसा कि आपको पता है कि
एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है, 100 मार्क जो कि टेक्निकल और 100 मार्क जो कि नॉन टेक्निकल होता है। और नॉन टेक्निकल में 7 सब्जेक्टें होती हैं और टेक्निकल में 12 से 13 सब्जेक्टें होती हैं। ओवरऑल 20 सब्जेक्टें होती हैं और 20 सब्जेक्टों को 10 दिन में कवर करना जो कि आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा अगर एडमिट कार्ड अगर 14 सितंबर को जारी हो जाते हैं। इसलिए 3 से 4 दिन जो कि 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन बर्बाद न करें एडमिट कार्ड और सीटी सेंटर खोजने में, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की सजेशन को मानते हुए आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस किसी भी तरह के बहकावे में आकर अपने एक सीट गंवा न दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है और बहुत लंबे समय बाद आई है। आपको शायद याद नहीं होगा कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में पिछले बार वैकेंसी जो कि सिर्फ 52 थी, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 28 सीट थी। तो इस तरह से पहले इतनी कम वैकेंसी, इस बार जो कि 2557 वैकेंसी है, तो इसलिए अपनी एक सीट के लिए आप अब पोस्टपोन होने की ना सोचें, बल्कि उसी डेट पर एग्ज़ाम होने के लिए आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।